अगर कोई आ भी जाए तो मेरे घर की हालत देख के नहीं कहेगा, रूबी ये क्या हुआ पड़ा है, अभी 9 बज गए हैं। तो कर लेती हूँ साफ सारा कुछ। ये देखिए, बोल तो रही थी किचन से, पर जब यहाँ कमरे में ही हूँ तो यहीं से स्टार्ट कर लेती हूँ। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप सब। मैं हूँ रूबी और आपका मेरे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है, जिसका नाम है अभिनव समर्थ फैमिली व्लॉग, जो मेरे बच्चों के नाम से मैंने रखा हुआ है अपने चैनल का नाम। तो ये व्लॉग फ्रेंड्स, जो कल मैंने मतलब मॉर्निंग रूटीन वाला डाला था, ये उसका नेक्स्ट का था। उस वीडियो में मैंने सुबह जब बच्चे स्कूल चले गए थे, उसके बाद मैं जो अपने घर से मेरी भाभी ने साड़ी दी थी वो दिखाने बैठ गई थी, जिसकी वजह से वो वीडियो बहुत लंबा होता जा रहा था, इसलिए मैंने उसको वहीं पे स्टॉप कर दिया। कम से कम 9-10 मिनट की वीडियो बन गई थी वो, तो मैंने फिर इसको नेक्स्ट बनाया है। तो चलिए, जो मेरी हालत कल देखी थी आपने घर की, मैं उसी की साफ़ सफाई कर रही हूँ, वो अभी भी दिख रही है। तो बस लगी पड़ी हूँ अपने काम में। तो ये सबसे पहले जो बिस्तर थे, कंबल वगैरह, वो उसको जहाँ पे उनके रखने की जगह है बेड में ही डालती हूँ, तो वो रख दूँगी। और उसके बाद सबसे पहले बेडशीट को सेट करूँगी, क्योंकि सबसे ज़्यादा गंदे मुझे यही लग रही थी। तो चलिए फ्रेंड्स, करते हैं फिर स्टार्ट। देखिए, तो हो गया साफ, इधर भी। तो जी, कमरा तो हो गया ठीक ठाक, अब आती है हॉल की और किचन की बारी। तो सबसे पहले मैं किचन को बाद में करूँगी, तो यहाँ पे भी जो ये कपड़े वगैरह फैले हुए हैं इनको भी उठा देती हूँ। तो ये ना, मैंने यहाँ पे हॉल में रस्सी बांधी हुई थी, क्योंकि जो अभिनव के पापा हैं वो आए थे लेट शनिवार में, तो मैंने उनके कपड़े वॉश किए थे, और फिर अगले दिन जाना था संडे में घर, तो मैं उनको अंदर ही कपड़ों को रस्सी पे यहीं पे डाल के गई थी, और जब तक हम रात तक आए वो सूख गए थे। फिर मैंने उनको प्रेस करके उनका बैग तैयार कर दिया था, और वो मंडे में सुबह में निकल जाते हैं। तो बस मैं यहाँ पे भी, जैसे हॉल की ये बेडशीट है इसको भी ठीक ठाक कर दिया है, और यहाँ पे भी ये देखिए, ये भी बिल्कुल नीट और क्लीन हो गया है। और ये इतने फास्ट नहीं हुआ जितनी फास्ट दिखा रही हूँ मैं, टाइम लगा थोड़ा बहुत, 10-10 15-15 मिनट लगी थी सारे में। और उसके बाद मैं यहाँ पे किचन में आई हूँ, तो ये है प्रसाद वैष्णो माता का, जो मेरी मम्मी हैं वो गई थी वैष्णो देवी, मम्मी मौसी सारी, तो वहाँ से प्रसाद लेके आई थी। तो मैं ये आपको दिखा रही थी, आप खा तो सकते नहीं, खिलाऊं कैसे वीडियो में, लेकिन दर्शन कर लीजिए, कहते हैं प्रसाद के तो दर्शन भी कर लें, वो भी बड़ी अच्छी बात है ना, मानते हैं ना इस बात को। तो बस उसके बाद मैं यहाँ पे सबसे पहले जो ये सेल्फ पे जितना भी फैला हुआ है एक्स्ट्रा, जैसे बर्तन झूठे, वो सारे सिंक में कर दूँगी, और उसके बाद लगूँगी अपना नेक्स्ट काम करने। पहले बर्तन की रख दिए हैं, और उसके बाद अब मैं यहाँ पे ये जो गैस चूल्हा है इसको साफ़ करूँगी, क्योंकि जब तक मेरे बर्तन धुलेंगे उसके बाद तब तक मैं दूध गर्म हो जाएगा। फ्रेंड्स, घी रखने की, इसमें देखो मैं घी रखती हूँ। ये कभी जब मैं छोटी थी, छोटी भी नहीं, मेरे ख्याल से ऐसी थी 10th या 11th क्लास में थी, तब मेरी नानी ने ये मुझे दी थी, और तब से ये मैंने अपने पास ही रखी है। उसके बाद शादी हुई तो मैं इसको अपने मतलब जैसे शादी हुई तुरंत बाद तो नहीं लेके आई थी, लेकिन कुछ दिन बाद जैसे आते जाते हैं ना घर, तो फिर मैं इसको लेके आ गई थी, और ये मुझे बहुत प्यारी लगती है। और इसे देख के ना पता नहीं कितनी बार मुझे नानी की याद आ जाती है, बहुत प्यारी थी वो नानी, मुझे बहुत प्यार करती थी सच्चे में। तो ये मैं अभी जो सफाई कर रही थी ना, तो ये मुझे दिखाई दी, और मुझे फिर एक बार नानी की याद आ गई, मेरी नानी की नहीं सामने। तो जी, बस मुझे थोड़ी सी नानी की याद आ गई थी, तो मैंने सोचा मैं चलिए मैं आपको भी दिखाती हूँ अपनी नानी की निशानी। ऐसी तो कई सारी चीज़ें हैं जो नानी ने दी हुई है, तो कई बार जिनको देख के मुझे ना मतलब याद आ ही जाती है। तो बस उसके बाद मैं यहाँ पे ये जो छोटी सी डिब्बे में दूध रखा है, ये मैं डेली रखती हूँ, जो मैं आपको बताया था पिछली वीडियो में कि मैं मंदिर जाती हूँ तो वहाँ पे पंचामृत बना के लेके जाती हूँ। तो उसके बाद मतलब दूध रख दिया है गैस पे, और फिर अब यहाँ पे बर्तन सारे लास्ट में ना बर्तन ही साफ़ करती हूँ, सारे सेल्फ को साफ़ करके। और यहाँ पे ये देखिए, बर्तन भी धुल गए, और किचन बिल्कुल एकदम नीट एंड क्लीन हो गई है। तो जी, किचन में ना मैंने यहाँ पे एक छोटा सा मनी प्लांट का पौधा रखा हुआ है एक कांच के जार में, और उसमें कुछ ये डालने हैं कलरफुल स्टोन,
और देखिए इसमें ना रूट्स भी आ गई हैं, और ये यहाँ पे रखा बड़ा ही प्यारा लगता है। इसको मैं बस यहीं पे सिंक के ऊपर ही ऐसे रख देती हूँ, छोटू सा है। तो उसके बाद बस मैंने ये मैट को भी झाड़ दिया है। ये किचन में हमेशा मैं बिछा के रखती हूँ, जिससे मैं चप्पल लेके नहीं जाती किचन में, और जाना भी नहीं चाहिए। तो जी काम तो सारा हो गया है। ये था जैसे बच्चे स्कूल चल जाते हैं उसके बाद का मेरा काम, और अभी 11 बजे थे तो 11 बजे तक मैंने सारा काम कर लिया था। तो उसके बाद काम करने के बाद मैं यहाँ पे अपना फेस वॉश कर रही हूँ, और काम करने के बाद थोड़ा सा लगता ही है कि ना जैसे एकदम मतलब फेस धोने का थोड़ा सा कि जैसे फ्रेशनेस सी आ जाए। तो बस यहाँ पे मैं अपना फेस धुल रही थी, हाथ पैर थोड़ा सा धुल रही थी, और बाकी सारा काम हो गया था। तो फ्रेंड्स ये था मेरा आज का वीडियो। अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। और उसके बाद मैं देखिए ये दिखा रही थी आपको कि मेरा घर कितना साफ़ सुथरा दिख रहा है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।